सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल का आइकन दबाइए जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आती रहे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे फ़ोन से जो वीडियो डिलीट हो गए हैं या फ़ोटो, एप्लीकेशन, सॉन्ग जो भी डिलीट हो गए हैं उनको वापस कैसे लाएं। कभी कभी ऐसा होता है आप अपना फ़ोन बच्चे को दे देते हैं तो वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ डिलीट कर देता है, सॉन्ग, फ़ोटो या कुछ भी आपकी पर्सनल चीज़ डिलीट कर देता है, उसको वापस कैसे लाएं। वापस लाने के लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखने तक आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कैसे क्या है। मतलब कि इसका एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसको रिकवर करने के लिए डाटा। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब चीज़ समझ में आ जाएंगे लास्ट तक। तो मेरा यूट्यूब चैनल न्यू है तो इसमें मैं एडिटिंग ट्रिक्स और भी नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो फ़ोटो रिकवर करना बहुत ही आसान है, इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का यूज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस एप्लीकेशन के मदद से आप अपने सभी चीज़ को वापस ला सकते हैं। और लैपटॉप में ऐसा है रिसाइकलिंग, तो उसमें भी ऐसा होता है कि फ़ोटो डिलीट कर देते हैं, उसमें चले आते हैं, फिर वहाँ से रिकवर कर लेते हैं। ऐसे ही अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। और फ़ोन में करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाइए अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर सर्च कीजिए डंपस्टर, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा डंपस्टर। और यहाँ पर इसे ओपन की जगह तुम्हारा डाउनलोड आएगा। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ मेरा ओपन है। ये 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, उसकी रैंकिंग 4.1 है। तो आप समझ सकते हो कितनी पॉपुलर एप्लीकेशन है, इसका बहुत फ़ायदा है। तो इसका यूज़ करना मैं आज बताने वाला हूँ। आपको नहीं पता तो आपने पहले थोड़ी वीडियो देखी किसी और यूट्यूब चैनल पर, लेकर मैं इसका पूरा कम्प्लीट यूज़ बताऊँगा कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो ये मेरा पूरा पहला डाटा था तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें नए तरीके से सिखाऊँगा कि कैसे डाटा को डिलीट करके रिकवर किया जाता है बिना इंटरनेट। इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, यही इसकी खास बात है। बिना इंटरनेट के, बिना रूट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। खाली सिंपल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और सीख लीजिए कैसे डाटा रिकवर करते हैं। तो सबसे पहले जाइए अपने फाइल में, कोई चीज़ डिलीट करके देख लेते हैं। ये देखो, वीडियो का गाना है और एक MP3 का गाना है और एक फ़ोटो है। और इसे डिलीट करके देखते हैं रिकवर होता है कि नहीं। तो इस पर क्लिक कर लीजिए, फिर डिलीट पे क्लिक कीजिए और डिलीट, फिर अपनी एक एप्लीकेशन को डिलीट अनइंस्टॉल करते हैं। कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए देखते हैं। मैं अनइंस्टॉल करूँगा ये मेरे काम की चीज़ें सब। हाँ, ये अमेज़ॉन मेरे लिए काम की नहीं है तो इसे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये अनइंस्टॉल, डन क्लिक किया और ये अनइंस्टॉल हो गई। तो अब जाइए ये अपने एप्लीकेशन, मतलब कि कहीं नहीं मिलेगी, अब अनइंस्टॉल हो गई है। कोई फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। नो रूट नो इंटरनेट, बिना इंटरनेट बिना रूट के ही एप्लीकेशन काम कर रहे। देखो ये गाना और ये एप्लीकेशन दोनों हमारे रिकवर हो गए हैं, मतलब यहाँ आ गए हैं। अब हम डिलीट करेंगे फ़ोटो और सॉन्ग। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो डिलीट करके दिखाता हूँ। ये मेरे दो फ़ोटो हैं और इन्हें डिलीट करके दिखाता हूँ। और डिलीट और ये कंप्लीट, डिलीट डन। तो फिर आप अपनी वीडियो एप्लीकेशन में जाइए और देखते हैं ये फ़ोटो आए कि नहीं। ये देखो ऊपर आए गए हैं दोनों फ़ोटो, 68 KB का है, 90 KB का है। तो अब हम करेंगे सॉन्ग डिलीट। तो यहाँ पर कोई भी एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिए अपनी फाइल मैनेजर से या कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा लगे। ये पूरे फ़ोन का सिक्योर कर देता है। अरे यार, फ़ोन भी कभी कभी दिक्कत कर देता है। और ये सॉन्ग डिलीट कर लीजिए। ये मैं दो सॉन्ग डिलीट कर रहा हूँ, ये देखिए, डिलीट डन। और अपनी एप्लीकेशन में जाइए और देखिए सॉन्ग आए कि नहीं। ये देखो दोनों सॉन्ग आ गए हैं। अब इन्हें रिकवर कैसे करें, इस पर प्रेस कीजिए और यहाँ पर रिस्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और आपको ये वीडियो, मतलब ये सॉन्ग जो आप डिलीट करना चाहते हो वाकई, तो डिलीट पे क्लिक कीजिए और डिलीट हो जाएंगे। फिर यहाँ से भी
मतलब अपनी फाइल में से डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से हो जाएंगे, वरना रिस्टोर करना चाहते हो जो डिलीट हो गए हैं धोखे से तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं सब चीज़। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। आप अपनी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और फ़ायदा उठाइए इस एप्लीकेशन का। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू वीडियो पाने के लिए ऐसी ही ट्रिक की और एडिटिंग की वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।